तो सादर नमस्कार। आशा करता हूं कि आप घर पर सुरक्षित और सानंद होंगे। साथ ही साथ ये भी आशा करता हूं कि ऑनलाइन चल रही क्लासों का होमवर्क भी और क्लास वर्क भी आप विधिवत कर रहे होंगे। इसी श्रृंखला में कुछ सारणिक टॉपिक जो है आपका कुछ दिनों से चल रहा है। अब अल्टरनेट क्लास होने से लगभग सप्ताह में 3 क्लास होने के कारण थोड़ा सा समय इसमें जो है बढ़ गया है, अदरवाइज ये तो चैप्टर कब का जो है खत्म ही हो गया होता। अब यहाँ आपको इसमें समीकरणों, रैखिक समीकरणों का हल करना, रैखिक समीकरण निकाय संगत है असंगत है इसकी पहचान करना। सबसे पहले हम किसी भी समीकरण निकाय दिया जाता है रैखिक समीकरण, तो सब लोग जो है पिछली कक्षाओं से पढ़ के आ रहे हैं, ऐसे समीकरण जिनका आलेखिक सरल रेखा होती है उन्हें हम रैखिक समीकरण कहते हैं। सामान्य सी पहचान, इनमें एक घात के होते हैं, इनमें दूसरी घात नहीं होती, केवल एक घात होती चरों की जो है। इनको भी हम दूसरा तरीका ये भी समझ सकते हैं कि जिनमें एक घात पर आधारित जो है चर होते हैं जिनमें सभी चरों की घात एक होती है, ऐसे समीकरणों को हम रैखिक समीकरण कहते हैं। और रैखिक कहने का, लीनियर इक्वेशन कहलाने का आशय केवल इतना ही है कि इनका जब भी हम जो है आलेख खींचते हैं, इसका जो हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, हमेशा स्ट्रेट लाइन आती है। कोई भी पॉइंट्स हम इसके लिए लें लेकिन इनका आलेख हमेशा एक सरल रेखा आती है, इसलिए हम इनको जो है रैखिक समीकरण कहते हैं। इनको हल करने का तरीका आप कई पिछली कक्षाओं में आप पढ़ के आए होंगे। विलोपन विधि से दो मतलब जो है चरों पर आधारित समीकरणों को अक्सर आपने पढ़ा होगा, 3 चरों पर आधारित भी समीकरण पढ़े हैं। इनको हम पहले कक्षाओं में हम कई तरीके होते हैं, बजगुणन विधि से भी हल करते हैं, विलोपन विधि से भी हल करते हैं, प्रतिस्थापन का प्रयोग करके भी हम इन्हें हल करते हैं, और प्रतिस्थापन द्वारा भी हम या बजगुणन द्वारा भी हम इन्हें हल करना सीखते हैं। पिछली कक्षाओं में हमने सीखा होगा लेकिन यहाँ हम आव्यूह और सारणिक के प्रयोग से समीकरणों को हल करना, यहाँ हम सारणिक और आव्यूह के प्रयोग से जो है समीकरणों को हल करना सीखेंगे इस अध्याय में। क्योंकि यहाँ हम पहले सबसे पहले जो है इसमें हम आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करना सीखेंगे। समीकरण निकाय संगत है या असंगत है इसकी पहचान हम समीकरण निकाय को देख करके ही करते हैं, क्योंकि हम इसके जो है सारणिक का मान इसके गुणांकों से सारणिक बनाते हैं, और गुणांकों से सारणिक बना करके हम देखते हैं यदि सारणिक का मान 0 आ जाता है, गुणांकों के सारणिक का मान 0 होता तो हम कहते समीकरण निकाय संगत नहीं है, असंगत या हल इसका जो निकालना संभव नहीं है, क्योंकि इसके सारणिक का मान 0 के अतिरिक्त कुछ आना चाहिए तभी हम आव्यूह विधि से, हम 0 नहीं होना चाहिए इसके सारणिक का मान जो है, जो कि इसके गुणांकों से चरों के गुणांकों से जो आप समीकरण बनाया जाता है उसका मान या सारणिक बनाया जाता है उसका मान 0 नहीं होना चाहिए। यदि 0 आता है तो ये हम इसको आव्यूह विधि से ऐसे हल करना संभव नहीं होता है, और समय समीकरण निकाय असंगत कहते हैं कि संगत नहीं है। इस तरह से आगे के उसमें हम जो है कुछ पढ़ेंगे, तब तक समझिए और पढ़ने का प्रयास करिए। हम क्लास को आगे को स्टार्ट करते हैं। धन्यवाद प्यारे बच्चों। जो है सारणिकों एवं आव्यूहों के अनुप्रयोग, एप्लीकेशंस ऑफ जो है डिटरमिनेंट्स एंड जो है मैट्रिसेस। सारणिक एवं आव्यूहों के अनुप्रयोगों द्वारा हम 2 या 3 अज्ञात राशियों के रैखिक समीकरण निकाय के जो है हल एवं रैखिक समीकरणों के निकाय की संगतता की जांच कर सकते हैं। इनके द्वारा संगत निकाय कौन सा निकाय संगत होगा, कंसिस्टेंट जो है सिस्टम, ऐसा समीकरण निकाय जिसका कम से कम एक हल हो संगत कहलाता है। यदि इसका एक भी हल नहीं होता तो यह संगत नहीं कहलाता है। असंगत निकाय के लिए इनकंसिस्टेंट जो है सिस्टम, ऐसा समीकरण निकाय जिसका कोई हल ना हो असंगत निकाय कहलाता है। इस अध्याय में हम उन रैखिक समीकरणों समीकरण निकायों का जो है निकाय का जो है अध्ययन करेंगे जिनका एक अद्वितीय हल हो, इनका जो है कोई हल ना हो या अनंता अनेक हल हो, ऐसी समीकरणों पर चर्चा इस अध्याय में नहीं करेंगे हम, केवल जिनका एक संगत निश्चित और अद्वितीय हल हो ऐसे समीकरणों को ही हल करना हम यहाँ सीखेंगे इस अध्याय में। प्यारे बच्चों, आव्यूह के व्युत्क्रम द्वारा रैखिक समीकरणों के
कि निकाय का हल ज्ञात करना है, सॉल्यूशन ऑफ ए सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स। इसमें हम आव्यूह के जो है व्युत्क्रम द्वारा समीकरणों को हल करना यहाँ हम सीखेंगे। यहाँ हम रैखिक समीकरण निकाय को आव्यूह समीकरण के रूप में सबसे पहले व्यक्त करते हैं तथा आव्यूह के व्युत्क्रम का प्रयोग कर उन्हें हल करते हैं। तो आव्यूह का व्युत्क्रम ज्ञात करना, आव्यूह के विषय हम पिछले अध्याय में पढ़ चुके हैं, हालांकि आव्यूह का व्युत्क्रम भी निकालना हम पिछले उसमें पढ़ चुके हैं, और पिछली कक्षा में आव्यूह का व्युत्क्रम सहखंड निकालना, एडजॉइंट निकालना और व्युत्क्रम ज्ञात करना, ये सब पिछली कक्षा में हम जो है पढ़ चुके हैं, पिछले लेक्चर में पढ़ चुके हैं। यहाँ हम आपको रैखिक समीकरणों का तीन अज्ञात राशियों या दो अज्ञात राशियों पर आधारित युगपत समीकरणों का हल निकालना आव्यूह विधि से जो है आज की कक्षा में सीखेंगे हम। माना तीन चरों जो है, यहाँ मान लिया हमने तीन चर एक्स वाई और जेड में रैखिक समीकरण निकाय निम्न प्रकार से है, ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन जेड बराबर डी वन, इसी तरह से ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू जेड इज इक्वल टू डी टू। तीसरा समीकरण है ए थ्री एक्स प्लस बी थ्री वाई प्लस सी थ्री जेड इज इक्वल टू डी थ्री। उपर्युक्त समीकरण निकाय को आव्यूह आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, इसको हम आव्यूह समीकरण के रूप में ax बराबर b के रूप में लिखते हैं, जहां a बराबर a क्या है, x y z जो चर हैं इनके गुणांकों से बना हुआ आव्यूह a है। यहां हमने a बराबर लिखा a1 b1 c1, पहले में जो है x का गुणांक a1, y का गुणांक b1 और z का गुणांक c1 है, तो पहली पंक्ति हो गई। दूसरे समीकरण में a2x + b2y + c2z बराबर जो है लिखा हुआ है, तो इसमें x का गुणांक a2, y का गुणांक b2 और z का गुणांक c2 है, इसलिए दूसरी पंक्ति हो गई a2 b2 c3 c2। सारणी अब इसमें आव्यूह की तीसरी पंक्ति के लिए हम x का गुणांक a3, y का गुणांक b3 और z का गुणांक c3 है, तीसरी पंक्ति के अवयव हो गए a3 b3 c3, a3 b3 c3 से ये तीसरी पंक्ति जो है बन गई हमारी आव्यूह की। इस तरह से आव्यूह की अब आव्यूह x बराबर लिखा जिसमें चर जो है एक्स वाई जेड रहेंगे, आव्यूह एक्स को कैपिटल एक्स को हमने एक्स वाई जेड, इसमें स्तंभ आव्यूह बनाया हमने एक्स वाई जेड, और जो बी लिखा हुआ है बी बराबर दिया, बी इसके बराबर में जो अचर पद डी वन डी टू डी थ्री जो जो अचर पद दिए गए हैं समीकरणों के बराबर में, इनसे हमने जो है बी आव्यूह बनाया, बी बराबर इसमें डी वन डी टू डी थ्री है, ये भी आपका स्तंभ आव्यूह है जिसको हमने डी वन डी टू डी थ्री इसको हमने बी लिखा। अब यदि सबसे पहले हम इसको हल करना प्रारंभ करते हैं तो सबसे पहले हम इसके सारणिक का मान ज्ञात करते हैं, जो दिया गया जो आव्यूह है उसको सारणिक के रूप में बना करके और उसके सारणिक का मान निकालते हैं। यदि डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू जीरो तो समीकरण ax बराबर b का अद्वितीय हल होगा, और अद्वितीय हल होगा तब हम x बराबर a इनवर्स b द्वारा जो है इसके अद्वितीय हल को ज्ञात किया जा सकता है। इस विधि को आव्यूह विधि कहते हैं, समीकरणों के हल करने की इस विधि को हम आव्यूह विधि कहते हैं कि आव्यूह विधि से समीकरण हल करना। तो यहाँ एक सबसे पहले हम जो समीकरण दिए गए हैं उनके गुणांक एक चरों के गुणांकों से निर्मित आव्यूह को कैपिटल ए से, और इसमें चरों के जो है आव्यूह को कैपिटल एक्स से जो है, और कैपिटल बी से जो है इनके बराबर जो अचर पद दिए जाते हैं उनके अचर पदों से निर्मित आव्यूह को कैपिटल बी लिखते हैं, और इस तरह से किसी भी प्रश्न के लिए आगे हम एक फॉर्मेट तैयार हो गया इसका, इससे हम आगे हल करना इसे सीख। अब आव्यूह विधि द्वारा रैखिक समीकरण हल करना सबसे पहले क्या करना होता है, इसमें हमें स्टेप हमने लिखे नंबर एक में, सबसे पहले दिए गए जो है समीकरणों को आव्यूह समीकरण ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख लेते हैं। जो भी समीकरण दिए गए हैं उन्हें हम ए एक्स आव्यूह समीकरण ए एक्स बराबर बी के रूप में लिख लेते हैं। दूसरी बात, पुनः दूसरे स्टेप में सारणिक a का मान ज्ञात करें, सारणिक a ज्ञात करते हैं, यदि सारणिक a इज इक्वल टू जीरो तो इस विधि का प्रयोग नहीं करते हैं, अर्थात संगत न होने के कारण हम इसका प्रयोग इनवर्स ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि सारणिक का मान जो है अगर शून्य आता है तो उसका जो है हमें इनवर्स ज्ञात करना संभव नहीं होता था, इस विधि का प्रयोग फिर हम नहीं कर सकते। यदि सारणिक का मान जो सारणिक a का मान शून्य नहीं है, डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू जीरो, तो आगे के चरणों का प्रयोग हम करके इसे हल करने का प्रयास करते हैं। आगे के चरण में तीसरे नंबर पर, तीसरे चरण में जब हम पहुंचते हैं तो a का व्युत्क्रम a इनवर्स ज्ञात करते हैं, a का व्युत्क्रम a इनवर्स ज्ञात करते हैं। इसके लिए हमने पिछले उसमें क्लास में
लेक्चर पांच में पढ़ा हुआ है इनवर्स निकालना, और इससे पहले हमने आरजू में भी इसका इनवर्स निकालना पढ़ा है सेकंडज के प्रयोग से, सारणिक के प्रयोग से। यहां हम ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए अपॉन डिटरमिनेंट ए के प्रयोग से इनवर्स ए इनवर्स निकालते हैं। पहले हम उसका एडजॉइंट निकालते हैं, उसमें सारणिक ए का भाग देते हैं तो ए इनवर्स प्राप्त हो जाता है। चौथे चरण में जो है चौथे स्टेप में ए इनवर्स बी को ज्ञात करते हैं। अब ए इनवर्स बी का बी के साथ जो ए इनवर्स बी ए इनवर्स आता है उसका बी के साथ गुणा करते हैं और उसे हम x बराबर अगले में गुणा करके जो उसका मान a इनवर्स b का मान निकाल लेते हैं, आभी निकाल a इनवर्स b निकाल लेते हैं। तत्पश्चात पांचवें स्टेप में x बराबर a इनवर्स b की तुलना से x y z के मान प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि x जो दिया गया कैपिटल x इसमें x y z जो है इसके चर x y z रहते तो x बराबर पहला अवयव x के बराबर, दूसरा अवयव आएगा a इनवर्स b का y के बराबर, तीसरा अवयव z के बराबर। इस तरह से हम इन्हें ज्ञात कर लेते हैं। अब प्रश्न जो है यहाँ एक समीकरण 5x धन 2y बराबर 4 एवं 7x धन 3y बराबर 5 को आव्यूह विधि से हल करना है। बच्चों इस प्रश्न को देखें और आगे के स्टेप में हम इसे हल करते हैं। हल में दिया है 5x धन 2y बराबर 4, दूसरा समीकरण है 7x धन 3y बराबर जो है 5। उपर्युक्त समीकरणों को ax बराबर b के रूप में लिखने पर इनको हम आव्यूह के रूप में आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखते हैं, जहां a बराबर जो है आव्यूह a है, इसके गुणांकों से x y के गुणांकों से निर्मित आव्यूह पहले में 5 है x का गुणांक और y का गुणांक 2 है, तो पहली पंक्ति हो गई 5 2। दूसरी पंक्ति में दूसरे समीकरण में x का गुणांक 7 है, y का गुणांक 3 है, तो दूसरी पंक्ति 7 3 हो गई इसकी। और कैपिटल x को मिलाया है कैपिटल x आव्यूह, इसमें x और y दो ही चरों पर आधारित है, x और y हो गए इसके जो स्तंभ आव्यूह हो गया। इसी तरह से कैपिटल b अर्थात इसके बराबर में अचर पद 4 और 5 दिए गए हैं। 4 और 5 जो दिए गए इन मानों से हमने आव्यूह b बनाया, b बराबर इसमें 4 5 पर एक स्तंभ है, 4 और 5 हो गए अभी आपको। अब हम इसमें सारणिक a का मान ज्ञात करते, सबसे पहले इसका सारणिक मान निकालते, सारणिक का मान निकालते 5 2 सारणिक के रूप में लिखे, दूसरी पंक्ति 7 3 और द्वितीय कोटि का, इसलिए सीधा 5 का 3 में गुणा किया, ऋण जो है 7 का 2 में गुणा किया, घटा दिया 15 में से जो है 14 घटाया और 1 आया, ये सारणिक a का मान जो है 1 आ गया। अतः इससे स्पष्ट हो गया कि सारणिक a का मान शून्य नहीं है, क्योंकि 1 है अतः शून्य नहीं है, अतः a इनवर्स विद्यमान है। इससे स्पष्ट हो गया कि हम a इनवर्स इसमें मौजूद है अर्थात समीकरण का हल ज्ञात कर सकते हैं इस विधि से। तो ये समीकरण निकाय संगत है, इसलिए हम इसका हल आगे करते हैं। सारणिक ए के सहखंड ज्ञात किए हमने, अब सहगुणनखंड और सहखंड भी हमने अभी पिछले उसमें पढ़ चुके हैं सहखंड। तो सहखंडों के लिए ए वन वन, पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ते हैं, पहली पंक्ति जो पहला स्तंभ छोड़ा 3 बचा, लेकिन एक एक मिलकर जो है 2 हुआ, ऋण एक की घात 2, जहां हम इसमें ऋण एक की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा कर देते हैं सारणिक के मान में, तो ये सहखंड बन जाता है। तो ऋण एक की घात जो है 2 होगी अर्थात धन का चिन्ह 3 हो गया। ए वन टू, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, पहली पंक्ति जो है और दूसरा स्तंभ छोड़ा तो ये 7 आया, लेकिन एक धन दो का मान जो है 3 हो गया, ऋण एक की घात विषम संख्या होने से ऋण चिन्ह आएगा, ए वन टू बराबर ऋण का 7, क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने से 7 इसका उपसारणिक होगा, लेकिन उसमें हमने जो है इसमें ऋण एक की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या से गुणा की तो ऋण का 7 हो गया। इसी तरह से ए टू वन में दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये 2 बचा हमारा, लेकिन 2 और 1 3 हो रहा है तो ऋण 1 की घात जो है 3 होने पर ऋण चिन्ह आएगा, ए टू वन का मान ऋण 2 आ गया। इसी तरह से ए टू टू, दूसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ छोड़ा तो 5 बचा, ए टू टू बराबर जो है क्योंकि यहाँ ऋण 1 की घात 4 होगी धन चिन्ह आएगा अर्थात 5 धन का लिखा। अब इनके जो है ए वन वन ए वन टू ए टू वन ए टू टू से जो है निर्मित एक आव्यूह तैयार किया हमने, जिसको हम सहगुणनखंडों से बना आव्यूह, एडजॉइंट ए बराबर इसके सहगुणनखंडों में निर्मित आव्यूह का परिवर्त होता है। तो हमने ए वन वन का मान 3, ए वन टू का मान ऋण 7 और ए टू वन का मान ऋण 2 और ए टू टू का मान जो है 5 रखा। अब इसके ऊपर ये परिवर्त का चिन्ह डैश लगाया, इसका मतलब है इस आव्यूह का सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह का परिवर्त ही एडजॉइंट ए होता है। तो परिवर्त करके पहली पंक्ति को पहला स्तंभ 3 ऋण 7 कर दिया, दूसरी पंक्ति ऋण 2 5 को ऋण 2 5 जो है दूसरा स्तंभ बना दिया, ये हो गया एडजॉइंट ए बराबर 3 ऋण 2 ऋण 7 5। अब हम ए इनवर्स निकालते हैं बच्चों, तो ए इनवर्स बराबर 1 बटे सारणिक ए गुणे जो है एडजॉइंट ए। तो सारणिक ए का मान सबसे पहले हमने देखा, सारणिक ए का मान कितना है 1 है, तो 1 बटे 1 लिखा हमने बराबर, और एडजॉइंट ए का मान तो निकाल ही लिया 3 ऋण 2 जो है
ऋण 7-5 अर्थात इसका हम जो 1 का भाग दिया तो भागफल में यही आया, आप भी हमारा 3 ऋण 2 ऋण 7-5 ये हमें ए इनवर्स प्राप्त हो गया। अब ए इनवर्स का अगले स्टेप में हम बी के साथ गुणा कर देंगे तो ए इनवर्स बी का जो मान आएगा उसे हम एक्स से कंपेयर करेंगे और मान निकालेंगे। अब बच्चों देखिए आगे आप एक्स बराबर ए इनवर्स बी लिखा हमने जो है, और यहाँ ए इनवर्स बी, ए इनवर्स का मान 3 ऋण 2 ऋण 7-5 है और बी का मान 4-5 स्तंभावयु है, इसका इसमें गुणा किया हमने, गुणा करने पर 3 का 4 में गुणा किया 3 × 4 ऋण 2 का 5 में गुणा किया ऋण 2 गुणे 5 लिखा। अब अगली पंक्ति दूसरी पंक्ति का फिर हमने जो है पहले इसी स्तंभ में किया ऋण 7 का 4 में ऋण 7 गुणे 4 धन 5 गुणे 5 अर्थात यहाँ 12 ऋण का 10 ये हो गया 12 ऋण 10 और यहाँ 7 × 28 ऋण का धन का 25 ऋण का 28 धन का 25 और बराबर 2 और ऋण 3 ऊपर 2 आया नीचे ऋण 3। अब x बराबर a इनवर्स b से x को हमने xy बराबर 2 ऋण 3 x का मान बराबर हम कंपेयर किया x बराबर 2 हो गया तब और y बराबर ऋण का 3 हो गया, ये हमारा उत्तर हो गया x और y के मान 2 कॉमा ऋण 3 जो है y बराबर ऋण 3 x बराबर 2 हो गया। प्रश्न संख्या 2 देखें बच्चों, निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल करना है, इसमें भी ये भी एक जो है दो चरों पर आधारित समीकरण ही लिया गया है x प्लस 2y बराबर 4 2x प्लस 5y इज इक्वल टू 9 दोनों समीकरण दिया है, इसमें क्या दिया हमें समीकरण पहला x प्लस 2y बराबर 4 और दूसरा समीकरण 2x धन 5y बराबर 9। तो हमने उपर्युक्त समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर तो हमने a को इसके गुणांकों से पहले के में x का गुणांक 1 है y का गुणांक 2 है तो 1 2 हो गया पहली पंक्ति a की जो है, दूसरी पंक्ति में x का गुणांक 2 है y का 5 है दूसरी पंक्ति 2.5 हो गई और x x में xy हो गए इनटू में बराबर में b b के जो है अभी अब अचर पद है 4 और 9 तो यहां से 4 और 9 बराबर में इस तरह से हमने लिखा ax बराबर b और जब हल करेंगे x बराबर a इनवर्स b से हम इसका मान निकालेंगे। आगे के स्टेप में अब हम इससे जो है सारणिक a का मान निकालेंगे। अब बच्चों देखिए सारणिक a बराबर जो है 1, 2, 2, 5 इसका हल किया 5 का 1 में गुणा किया ऋण लगा के 2 का 2 में 1 × 5 ऋण 2 × 2 = 5 ऋण 4 = 1 सारणिक का मान जो है 1 आ गया। डिटरमिनेंट a इज इक्वल टू 1 और डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 अतः a एक जो है व्युत्क्रमणीय आव्यूह है, इसका व्युत्क्रम ज्ञात कर सकते हैं हम या a इनवर्स विद्यमान है कुछ भी लिख सकते हैं हम, या तो व्युत्क्रमणीय है ये या a इनवर्स विद्यमान है या ए इनवर्स का अस्तित्व है, कई तरह से हम इसमें लिख देते हैं, सबका अर्थ एक ही है। अब हमने इसके सहगुणनखंड निकाले a11 ज्ञात किया a11 बराबर 5 पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा पहली पंक्ति 1-2 छोड़ा स्तंभ 1-2 छोड़ा तो यहाँ जो है 5 आया a11 चूंकि 5 हो गया चूंकि 1-1-2 होगा और यहाँ a12 यहाँ 1-2-3 होगा तो ऋण चिन्ह आएगा इसके जो है सेकंड में ऋण और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा से 2 आया ऋण का 2 a12 का मान ऋण 2। इसी तरह से a21 दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ेंगे तो ये आएगा 2 लेकिन a21 में 2 और 1 3 होगा ऋण 1 की घात 3 होने पर ऋण चिन्ह आएगा ऋण का 2 a21 का मान ही -2 और a22 बराबर दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ ये हो गया दूसरी पंक्ति ये हो गया तो बचा हमारे पास 1 a22 का मान जो है 1 हो गया। इसी तरह से हमने एडजॉइंट a निकाला एडजॉइंट a बराबर जो है इसके सहगुणनखंडों से आव्यूह a11 a12 पहली पंक्ति दूसरी पंक्ति a21 a22 रखा इनके मान a11 का मान 5 a12 का मान ऋण 2 और दूसरी पंक्ति में a21 का मान ऋण 2 और a22 का मान 1 रखा। अब इसका हमने परिवर्त किया डैश लगाया अर्थात ट्रांसपोज इसका परिवर्त करेंगे पंक्ति को स्तंभ में बदलेंगे तब वो एडजॉइंट a के बराबर है तो इसका परिवर्त बराबर इसकी पहली पंक्ति 5 ऋण 2 को पहली पंक्ति 5 ऋण 2 अब चूंकि ये जो है आपका सममित आव्यूह है इसलिए इसे चाहे हम इसको पंक्ति को स्तंभ में बदले कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है इसमें लेकिन यदि परिवर्तन होता तो हम कहते विषम सममित तो ये सममित आव्यूह होने से 5 ऋण 2 पहली पंक्ति दूसरी पहला स्तंभ 5 ऋण 2 हो गया दूसरी पंक्ति ऋण 2 1 तो ऋण 2 1 अर्थात तो वही रहा जो हम देख रहे हैं इसका परिवर्तन भी वही है क्योंकि सममित आव्यूह है। a इनवर्स बराबर अब एडजॉइंट a में सारणिक a से भाग दिया सारणिक a का मान चूंकि 1 है 1/1 और इनवर्स इसका 5 ऋण 2 ऋण 2 1 बराबर में जो है 5 ऋण 2 ऋण 2 1 हो गया और तब x बराबर a इनवर्स b पुनः a इनवर्स b जो है x बराबर a इनवर्स b तो x के अवयवों को हमने x y पहली पंक्ति बराबर में a इनवर्स b में जो है a इनवर्स का मान लिखा 6 ऋण 2 जो है यहां सॉरी 5 ऋण 2 और ऋण 2 1
और इसमें बी का मान है, बी इंटू में कर रहे हैं चार नौ, बी के अवयव है जो है चार और नौ, तो हमने चार और नौ में जो है इसका गुणा इसमें पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में बराबर में पांच गुणा चार, पांच का गुणा चार में, ऋण दो का गुणा नौ में, पांच गुणा चार ऋण दो गुणा नौ, अगले में ऋण दो दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में ऋण दो का चार में, ऋण दो गुणा चार धन एक गुणा नौ, अब इनका मान दिया बीस ऋण जो है अठारह बराबर में बीस ऋण अठारह, दूसरे में ऋण आठ धन का नौ, ऋण आठ धन का नौ, अर्थात इनका अंतरफल आया ऋण का यहाँ जो है हमने बीस में से अठारह घटे धन का दो बचा, ऋण आठ जो है धन नौ है यहाँ आपका जो है यहाँ भी आपका चार दो आठ यहाँ धन का एक आया और दो और एक इसके मान हो गए इस तरह से यहाँ x बराबर दो और y बराबर धन का एक, उत्तर हो गया आपका x बराबर दो y बराबर धन का एक, इसको ये सेटिस्फाई करेंगे। हाँ बच्चों देखिए अब क्वेश्चन नंबर तीन, प्रश्न संख्या तीन, निम्नलिखित समीकरणों को जो है आवयवी विधि से हल कीजिए। समीकरण तीन निकाय दिया गया x प्लस वाई प्लस टू जेड बराबर चार, x प्लस टू वाई प्लस जेड बराबर एक और x प्लस वाई प्लस जेड बराबर दो। तो उपर्युक्त समीकरणों को आवयवी समीकरण ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखने पर हमने ऊपर दिए गए समीकरणों को ए एक्स बराबर बी के रूप में लिखा, ए हो गया इनके गुणांकों से एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित आवयवी ए हो गया और एक्स वाई जेड से निर्मित आवयवी कैपिटल एक्स हो गया और बी हो गया इनके चार एक दो से निर्मित आवयवी ये हो गया आपका कैपिटल बी। तो हमने इसको इस तरह से लिखा, अतः सबसे पहले हम सारणिक ए का मान निकालेंगे। पहले गुणांकों को लिखा तो सारणिक ए को लिखा हमने, सारणिक ए को जो है पहली पंक्ति एक एक दो जो है, दूसरी पंक्ति एक दो एक, तीसरी पंक्ति एक 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 है। अब यहाँ हमने इज इक्वल टू इसका प्रसार कर दिया, हमने पहली पंक्ति के सापेक्ष प्रसार किया, प्रसार करने पर तो हमने एक गुणे जो है दो ऋण एक, एक गुणे दो ऋण एक। अब फिर यहाँ क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है इसलिए ऋण एक आएगा यहाँ ऋण, और पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ने से एक का एक में ऋण एक का एक में, तो एक ऋण एक हो गया था जीरो हो जाएगा यहाँ, प्लस का टू। अब पहली पंक्ति और दूसरा तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने तो ये उपसारणिक, इसका मान दो का गुणा करेंगे, एक गुणे एक ऋण एक गुणे दो, दो गुणे एक ऋण एक दो जो है, और बराबर में एक ऋण शून्य यहाँ इसका मान एक आया, इसका मान शून्य हो गया और ऋण का दो, क्योंकि ऋण एक आएगा ऋण एक का दो में गुणा हुआ ऋण एक दो, तो यहाँ इस तरह से ऋण दो हुआ तो एक में से दो घटा जो है ऋण का, तो ऋण का एक बचा और सारणिक एक का मान हो गया ऋण एक। अब सारणिक एक का मान जो हमें ऋण एक मालूम हो गया तो अब हम इसमें इससे आगे हम इसके सहगुणनखंड ज्ञात करेंगे, सहगुणनखंडों को ज्ञात करके फिर हम सहखंडज आवयव, सहखंडज आवयव के माध्यम से इनवर्स इनवर्स में बी का गुणा करके। हमने बच्चों देखिए ए के सहगुणनखंड लिखे हमने ए वन वन बराबर दो एक एक दो, इसका जो है इसका उपसारणिक चूंकि धनात्मक चिन्ह आए गए दो ऋण एक जो इसका इसमें ऋण इसका इसमें दो ऋण एक बराबर ही। ए वन टू का मान इसी तरह से देखा क्योंकि ऋण आएगा एक दो तीन हो जाएगा ऋण एक की घात, तो ऋण चिन्ह आया इसका उपसारणिक एक ऋण एक ऋण का बाहर चिन्ह लगा एक ऋण एक जीरो हो गया। और ए वन थ्री निकाला हमने कैपिटल ए वन थ्री, इसका सहखंड पहली पंक्ति तीसरे स्तंभ के अवयव का सहगुणनखंड ए वन थ्री बराबर यहाँ एक दो एक एक बराबर एक ऋण दो जो है एक ऋण जो है दो बराबर ऋण का एक। ए टू वन का मान निकाला हमने, ए टू वन बराबर हो गया माइनस का चूंकि दो और एक तीन हो जाएगा ऋण एक की घात तीन होने से ए टू वन का मान जो है माइनस, और वन टू वन वन एक का इसमें जो है ऋण चिन्ह लगाया एक ऋण दो जो है बराबर में जो है ऋण एक आएगा ऋण बाहर लगाया इसकी धन का एक हो गया। और इस तरह से ए टू टू में जो है वन टू जो है और इसका ए टू टू है इसलिए धनात्मक चिन्ह आएगा और इसका हमने उपसारणिक का मान निकाला एक का एक में ऋण एक का दो में एक ऋण दो बराबर ऋण एक। ए टू थ्री निकाला क्योंकि माइनस चिन्ह आएगा क्योंकि पांच होगा ऋण एक की घात विषम हो गया एक 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 जो है अर्थात एक का एक में किया ऋण का एक ऋण एक बराबर जो है शून्य, शून्य ऋण का धन का होने से कोई अर्थ नहीं है इसलिए सीधा जीरो लिखा इसी। अब ए थ्री वन निकाला हमने यहाँ, ए थ्री वन बराबर इसका उपसारणिक जो है और उसमें ऋण एक की घात पंक्ति संख्या धन स्तंभ संख्या का धन का चिन्ह आएगा चार होगी ऋण एक की घात दो ऋण जो एक गुणे एक ऋण का दो गुणे दो एक ऋण चार बराबर ऋण का तीन। और ए थ्री टू बराबर माइनस का वन में जो है वन और वन का टू में से माइनस का टू, माइनस बाहर लिया वन माइनस टू माइनस माइनस प्लस वन हो गया बराबर। और ए थ्री थ्री का मान जो है वन 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 टू क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव आएगा क्योंकि छह होगी ऋण एक की घात तो दो ऋण एक दो का एक में गुणा ऋण एक का एक में गुणा दो ऋण एक बराबर एक। अब एक सहगुणनखंडों से निर्मित आवयवी हुए
सी लिखा हमने इसको सहगुण खंडों से बने हुए आव्यूह को, ए वन वन, ए वन टू, ए वन थ्री, ए वन वन का मान ए और यहाँ शून्य, एक शून्य और ऋण एक, एक शून्य ऋण एक पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति जो है ए टू वन, ए ए टू टू, ऋण एक और शून्य, एक ऋण एक शून्य, ये जो है आपकी दूसरी पंक्ति हो गई सहगुण खंडों से बने आव्यूह को। और तीसरी पंक्ति के लिए ए थ्री वन का मान ऋण तीन, ए थ्री टू का मान एक और इसका मान ऋण तीन एक एक, ये तीसरी पंक्ति हो गई सहगुण खंडों से बने आव्यूह की। इसका परिवर्त कर देते हैं तो एडजॉइंट ए बराबर सी का परिवर्त बराबर इसका पहली पंक्ति पहला स्तंभ एक शून्य ऋण एक हो गया और एक ऋण एक हो गया और यहाँ ऋण तीन एक एक हो गया। तीसरी पंक्ति को जो है हमने लिया, यहाँ आपका ऋण तीन एक एक हो गया। इस तरह से एडजॉइंट ए का मान मालूम हो गया। अब एडजॉइंट ए में हम जो है एडजॉइंट ए में अगर हम जो है सारणिक ए के मान से भाग देंगे और भागफल जो आएगा उसको हम इसके रूप में ए इनवर्स प्राप्त हो जाएगा हमें। अब बच्चों देखिए ए इनवर्स बराबर एडजॉइंट ए बटे सारणिक ए बराबर एक बटे ऋण एक, सारणिक ए का मान जो ऋण एक था और पहली पंक्ति इसका जो है हमने इनवर्स का जो है यहाँ हमने लिखा इसका जो एडजॉइंट ए था एक एक ऋण तीन जो है शून्य ऋण एक, एक जो है ऋण एक शून्य एक बराबर में ऋण एक का अंदर गुणा कर दिया इसमें हमने तो ऋण एक तीन हो गया शून्य एक ऋण एक जो है एक शून्य ऋण एक हो गया। अब एक्स बराबर ए इनवर्स बी, अब हम ए इनवर्स मालूम हो गया हमें इसमें बी का गुणा करेंगे एक्स के अवयवों को एक्स वाई जेड बराबर ए इनवर्स ऋण एक तीन जो है और शून्य एक ऋण एक 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 ऋण शून्य ऋण एक शून्य ऋण एक जो है इसमें हमने जो आव्यूह बी था स्तंभ आव्यूह था इसके जो है अचर पदों से निर्मित आव्यूह था चार एक जो है दो इसका इसमें गुणा किया हमने पहली पंक्ति का इसमें जो है पहली पंक्ति का गुणा चार एक दो में करेंगे ऋण एक का गुणा जो है चार में ऋण एक का चार में हुआ तो ऋण चार ऋण एक का एक में हुआ तो ऋण एक और धन तीन का गुणा दो में हुआ धन का छह हो गया। इसी तरह से दूसरी पंक्ति का चार में शून्य का चार में हुआ शून्य हो गया एक का एक में हुआ धन का एक आया और ऋण एक का जो है जो हमने जो है दो में किया तो ऋण का दो आ गया। इसी तरह से तीसरी पंक्ति का फिर इसमें गुणा किया एक का चार में चार आया शून्य का जो है एक में शून्य आया और ऋण एक का दो में किया तो ऋण का दो। इस तरह से आगे बच्चों देखिए ऋण चार ऋण एक और धन का छह बराबर जो है एक हो गया। इन सबको जोड़ के ऋण एक आया और चार में से दो घटा से दो आया एक ऋण एक दो। ये एक्स वाई जेड के मान हो गए एक्स का मान एक वाई का मान जो है ऋण एक और जेड का मान दो। अतः एक्स बराबर एक वाई बराबर ऋण एक जेड बराबर दो ये समीकरण के जो है हल हो गए। अब यहाँ हम अगला प्रश्न देखते हैं और प्रश्न संख्या जो है चार देख रहे हैं हम स्क्रीन पर। निम्नलिखित समीकरणों को आव्यूह विधि से हल कीजिए। इन्हें हमें आव्यूह विधि से हल करना है तो आव्यूह विधि से हल करने के लिए समीकरण लिखे हमने। पहला समीकरण है x plus y plus z is equal to 3, दूसरा x plus 2y plus 3z is equal to 4 और x plus 4y plus 9z is equal to 6। हल में उपर्युक्त समीकरणों को आव्यूह समीकरण ax बराबर b के रूप में लिखने पर, तो हमने पहले में जो है x, y, z के गुणांक क्रमशः एक 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 जो है ये आव्यूह a हुआ पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति में x का गुणांक एक, y का दो, z का तीन, तो एक दो और तीन हो गया। तीसरी पंक्ति एक ही हो गई, एक x का गुणांक है, y का चार है, z का नौ है, एक चार नौ हो गया, ये a हो गया। अब x को कैपिटल x को x, y, z लिखा इनटू में बराबर में b, b के अवयवों को तीन चार छह जो है ये अचर पद है तीन चार छह, तो ये भी हो गया। अब यहाँ ए एक्स वाई जेड के गुणांकों से निर्मित आव्यूह है तथा बी जो है अचर पदों से निर्मित आव्यूह है और तथा जो है जो एक्स है वो चरों एक्स वाई जेड से निर्मित आव्यूह है जो कि पहले ही हमने आपको बताया है। अब इसके बाद आगे के स्टेप को हम देखते हैं। अब दूसरे स्टेप में हम यहाँ जो है सारणिक का मान निकालते हैं। सारणिक ए बराबर एक 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 जो है एक दो तीन एक चार नौ, इसका हम प्रसार करते हैं पहली पंक्ति के सापेक्ष कर देते हैं एक एक एक, तो एक गुणे जो है नौ दूना अठारह ऋण बारह, अठारह ऋण बारह, ऋण का एक अब क्योंकि पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ है तो ऋण एक गुणे जो है अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा नौ एकम नौ ऋण तीन एकम तीन, नौ में से तीन घटाया धन का लास्ट में पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ है इसलिए धन चिन्ह आएगा धन का एक और इसे पहली पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ने से एक दो एक चार अर्थात चार एकम चार ऋण दो एकम दो चार ऋण दो जो है अर्थात यहाँ अठारह में से बारह घटा छः बचा ऋण नौ में से जो है तीन घटा
छह बचा छह का ऋण एक में गुणा हुआ ऋण छह, और धन का चार में से दो घटा दो का एक में गुणा हुआ धन का दो, छह ऋण छह धन दो बराबर दो हो गया। अतः सारणिक का मान दो है, अतः ई व्युत्क्रमणीय है जो दिया गया है अभी ए व्युत्क्रमणीय है क्योंकि इसके सारणिक का मान दो है। हम कह सकते हैं कि इसका व्युत्क्रम ज्ञात करना संभव है। हम एक ही सहगुणनखंड निकालते हैं पहले, और एक ही सहगुणनखंड ज्ञात करके तत्पश्चात हम फिर इसके A11 का मान निकाला। तो A11 पहली पंक्ति पहला स्तंभ छोड़ा, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ दिए, दो तीन चार नौ अर्थात इसका चूंकि धनात्मक चिन्ह आएगा से ऋण नौ दूना अठारह, ऋण जो है बारह छह आ गया। A12 एक और दो तीन हुआ, ऋण चिन्ह आएगा, ऋण लगा दिया इसके उपसारणी के सामने, पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, एक तीन एक नौ जो है एक तीन एक नौ, ऋण चिन्ह बाहर लगा, नौ एक नौ में से तीन घटा ऋण बाहर लगा, नाइन माइनस थ्री बराबर माइनस का सिक्स जो है A12 का मान माइनस सिक्स। A13 के लिए पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ छोड़ेंगे, एक दो एक चार, एक दो एक चार धन चिन्ह आएगा क्योंकि एक तीन चार हो जाता है, चार में से जो है दो घटा चार का एक में गुणा एक का दो में ऋण का, चार ऋण दो बराबर दो। और A21 अब दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा, दूसरी पंक्ति और पहला स्तंभ छोड़ा, उपसारण एक एक चार नौ, एक एक चार नौ लेकिन एक दो एक तीन हुआ तो ऋण चिन्ह आया, एक एक चार नौ, नौ में से बाहर माइनस लगाया और नौ में से चार को घटाया, नाइन माइनस फोर बाहर माइनस है इसलिए माइनस फाइव आ गया। A21 का मान माइनस फाइव। अब A22 दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, दूसरी पंक्ति है ये, एक दो तीन को छोड़ा और एक दो चार को छोड़ा, तो एक 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 नौ, एक 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 नौ, इसका हमने जो है चूंकि ये भी धन संख्या आएगी, नौ ऋण एक जो है नौ का इसमें गुणा किया, इसका इसमें जो नौ ऋण एक बराबर आठ हो गया। A23 निकाला, दूसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा, एक 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 चार, एक 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 चार लेकिन A23 है तो माइनस साइन आएगा, माइनस वन की पावर विषम संख्या हो रही, पांच हो रही, तो ऋण चिन्ह चार में से ऋण बाहर लगाया, चार ऋण एक बराबर ऋण का तीन हो गया। और यहाँ A31, अब A31 पे आइए, तीसरी पंक्ति और पहला स्तंभ, तीसरी पंक्ति ये है और पहला स्तंभ ये है, इसको छोड़ दीजिए, उपसारणिक एक एक दो तीन, A31 का मान एक एक दो तीन और बराबर में यहाँ धन चिन्ह आएगा, तीन ऋण दो जो है बराबर एक हो गया। A32 तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ छोड़ा, तो यहाँ से बचा हमारा एक 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 तीन, एक 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 तीन जो है एक 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 तीन ऋण चिन्ह आएगा, लेकिन यहाँ ऋण चिन्ह आने से जो है यहाँ माइनस का थ्री माइनस वन बराबर माइनस का टू आ गया। और A33 यहाँ पॉजिटिव साइन आएगा क्योंकि सम संख्या हो रही है, ऋण एक की घात छह हो रही है, अर्थात पहली पंक्ति जो तीसरी पंक्ति और तीसरा स्तंभ छोड़ा हमने, तो एक 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 दो, एक 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 दो इसका उपसारण है, दो ऋण एक बराबर एक, अर्थात ये सब हमें एक ही सहगुणनखंड मालूम हो गए। और सहगुणनखंड मालूम हो गए कि हमें, तो एक ही सहगुणनखंडों से हम जो है निर्मित आव्यूह ज्ञात करते हैं। तो सी लिखा हमने, एक ही सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह को हमने सी लिखा, सी बराबर एक ही सहगुणनखंडों से निर्मित आव्यूह सी बराबर यहाँ A11 का मान जो है छह, A12 का मान ऋण छह, छह ऋण छह और A13 का मान दो, ये दो हो गया। इसी तरह से यहाँ से A21 का मान माइनस फाइव, A22 का मान एट, माइनस फाइव एट और माइनस का थ्री। इसी तरह से A31 का मान वन, A32 का मान जो है माइनस टू और A33 का मान वन। तो इस तरह से वन माइनस टू वन जो है ये हमें सी आव्यूह हो गया। अब एडजॉइंट ए निकालना है, तो इसका सी का परिवर्त कर दीजिए, इसकी पंक्तियों को पहली पंक्ति पहला स्तंभ, दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो एडजॉइंट ए बराबर सी का परिवर्त, ट्रांसपोज किया इसका, पहली पंक्ति छह, पहली पंक्ति छह ऋण दो जो छह ऋण छह जो है दो, पहला स्तंभ बना रहे छह ऋण छह दो, दूसरी पंक्ति ऋण पांच आठ ऋण तीन, ऋण पांच आठ ऋण तीन दूसरा स्तंभ बना दिया, तीसरी पंक्ति को तीसरा स्तंभ एक ऋण दो एक, एक ऋण दो एक, ये तीसरा स्तंभ हो गया। इस तरह से बच्चों देखिए, तो एडजॉइंट ए हमें मालूम हो गया। और अब हम यहाँ ए इनवर्स बराबर एक बटे सारणिक ए इंटू एडजॉइंट ए बराबर सारणिक ए का मान दो आया था, तो एक बटे दो, और एडजॉइंट ए का मान चूंकि जो हमने यहाँ इसमें निकाला है वो छह ऋण पांच एक, ऋण छह आठ, ऋण दो दो, ऋण तीन जो है और एक यहाँ इसके बाद दो ऋण तीन एक, तो अब इसमें हमने दो का भाग दे दिया, पूरे में भाग दिया, तो छह में दो का तीन हो गया, ऋण पांच बटे दो एक बटे दो, ऋण तीन चार और छह में जो ऋण छह में दो का भाग दिया तो ऋण तीन, आठ में दिया तो जो है चार, और ऋण दो में दो का दिया तो ऋण का एक हो गया, और दो में दिया तो एक आया, ऋण तीन में दो का दिया ऋण तीन बटे दो हो गया, और एक में दो का दिया तो एक बटे दो हो गया। अब x बराबर a इनवर्स b से
एक्स का मान ए इनवर्स बी से निकालते हैं, तो एक्स को हमने एक्स वाई जेड लिखे बराबर ए इनवर्स का मान जो हमने ये निकाला ये लिखा तीन ऋण पांच बटे दो एक बटे दो ऋण तीन चार ऋण एक जो है एक ऋण तीन बटे दो एक बटे दो, और बी के अवयव जो लिखे तीन चार छह, तो यहाँ इसके पहली पंक्ति का इसमें गुणा किया, गुणा करके हमने जो है तीन का तीन में नौ ऋण पांच बटे दो का चार में तो ऋण का दस और एक बटे दो का जो है छह में किया तो तीन धन का आ गया। इसी तरह से अब अगले का ऋण तीन चार ऋण एक का तीन चार छह में किया ऋण तीन का तीन में ऋण नौ जो है चार का चार में सोलह धन का ऋण एक का जो है छह में ऋण का छह, ऋण का छह और ऋण का नौ ऋण का पंद्रह धन का सोलह हो गया। अब इस तरह से तीसरी पंक्ति का एक ऋण तीन बटे दो एक बटे दो तीन चार छह एक का तीन में किया धन का तीन ऋण तीन बटे दो का जो है चार में किया ऋण का छह और एक बटे दो का जो है छह में किया तो तीन आया। नौ ऋण दस और धन का तीन बारह में से दस घटा जो है दो आ गया, यहाँ सोलह में से पंद्रह घटा एक आया और यहाँ छह में से छह गया शून्य हो गया। अर्थात तुलना कीजिए x का मान जो है दो हो गया, y का मान देखिए यहाँ जो है एक हो गया और z का मान देख रहे हैं शून्य हो गया। अतः समीकरण का हल x बराबर जो है दो y बराबर एक और z बराबर शून्य ये समीकरण निकाय का अभिविधि से हल हो गया। अब प्यारे बच्चों आपने क्लास पढ़ी और क्लास में जो क्वेश्चन आपको कराए गए उनसे संबंधित प्रश्न यहाँ अभ्यास प्रश्न में जो है पांच प्रश्न लिखे हैं हमने। सिद्ध करो कि पहला जो है समीकरण निकाय इसका जो है दिया गया है दोनों समीकरणों को जो असंगत है सिद्ध करना है, असंगतता सिद्ध करना है। तीन संख्याओं का जो है दिया गया है योग छह है, यदि हम तीसरी संख्या को जो है तीन से गुणा करके दूसरी संख्या में जोड़ दें तो हमें जो है ग्यारह प्राप्त होता है। इस तरह से तीसरी संख्या जोड़ने पर इसके लिए हमने जो है संख्याओं में दिया जिसे जो ज्ञात करना इनमें तीन समीकरण बना करके इनके हम संगत जो है सभी को हम आव्यूह विधि से समीकरणों को हल करेंगे। तो इस कार्य को आप करिएगा, ध्यान रखिएगा कार्य को व्यवस्थित करें जिससे जो है आप सारा कार्य व्यवस्थित होगा, कॉपी भी आपकी व्यवस्थित बन जाएगी और कार्य भी की अधिकता नहीं होगी, इस समय पर्याप्त समय है, समय का सदुपयोग भी हो जाएगा। अतः प्यारे बच्चों जो है सुरक्षित रहिए, घर में रहिए, सानंद रहिए, धन्यवाद।